अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटे एक क्वेश्चन है, अक्सर बेशतर पेपर में आता है, बुक में इसको अलग से दिया नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको मैंने कहा आपको स्टडी करा दिया जाए। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो पहला जो डिफरेंस है हम लिखते हैं इसमें ओवल आर स्फेरिकल, ओवल आर स्फेरिकल इन शेप। एनिमल सेल की जो शेप होती है ये ओवल शेप होते हैं या फिर हम कहते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं, मगर प्लांट सेल जो है ये बेटे होता है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर इन शेप, ये शक्ल में रेक्टेंगुलर होता है, मुस्ततील नुमा होता है। दूसरा डिफरेंस ये है एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसी तरह मुख्तलिफ डिफरेंस हम इनके अंदर जो है वो इंशाल्लाह देखते जाएंगे। न्यूक्लियस का डिफरेंस देखना है, न्यूक्लियस किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस is present in the center of cell, cell के center में present होगा nucleus जो है किसके अंदर, animal cell के अंदर, जबकि plant cell के अंदर nucleus pushed one side, एक तरफ हट जाता है, किस वजह से, ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये रीजन बता सकते हैं, ड्यू टू, ये मैंने टॉपिक में पढ़ाया था, ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जैसे न्यूक्लियस वन साइड पुश एक साइड पे हट जाता है। अब वैक्यूल का डिफरेंस बता लेते हैं, मैनी वैक्यूल्स, देयर आर मैनी वैक्यूल्स, बहुत सारे वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल के अंदर, मैनी वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मगर बेटे प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सिंगल लार्ज सेंटर, एक ही वैक्यूल प्रेजेंट है जो दरमियान में मौजूद है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो है क्या है, डिफरेंस है। इसी तरह नेक्स्ट एक आप डिफरेंस देखें इसके अंदर, इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर हम लिखते हैं ना प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये कोई फोटोसिंथेसिस का अमल परफॉर्म नहीं करते, पॉलिनेशन भी नहीं करते, फूड को स्टोर भी नहीं करते, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस भी करता है, पॉलिनेशन भी करता है और फूड को स्टोर करने की सलाहियत भी रखता है। नेक्स्ट एक डिफरेंस है एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, जबकि हायर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है ये क्या होते हैं बेटे, एब्सेंट होते हैं, इनमें सेंट्रियोल होते नहीं। इसका मतलब ये हुआ प्लांट सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल की वजह से नहीं बनते,
माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से जो है वो बनते हैं। अब जरा गौर करना है कि हमने इसके अंदर शेप देखी, सेल वॉल देखा, न्यूक्लियस का डिफरेंस देखा, वैक्यूम का डिफरेंस देखा, प्लास्टिड्स का डिफरेंस देखा और सेंट्रियोल का डिफरेंस भी हमने देखा। अब डिवीजन का डिफरेंस जरा देखें, डिवीजन का डिफरेंस क्या होता है? एनिमल सेल डिवाइड होता है, एनिमल सेल डिवाइड बाय, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म खास तौर पे है इसको हम कहते हैं पिंचिंग ऑफ द मिडल, या दूसरा वर्ड लिखते हैं इसके लिए होता है, इसको बेटे हम कहते हैं क्लीवेज, इसको बेटे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज क्या मिल के थ्रू एनिमल सेल जो है वो क्या होता है बेटे? डिवाइड होता है। जबकि प्लांट सेल के अंदर चूंकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इसमें हम लिख सकते हैं बेटे कि प्लांट सेल डिवाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट के थ्रू जो है ये क्या होता है जनाब? हमने कहा कि ये डिवाइड होता है। फ्रैगमोप्लास्ट के अमल के थ्रू ये क्या होता है भाई? डिवाइड होता है। तो ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंदर जो है हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो है वो डिफरेंस देखे हैं कि इनके डिफरेंस जो है वो कितने बनते हैं। डिवीजन के हवाले से बता दिया, ऑर्गेनेलिस के हवाले से बता दिया कि इनके डिफरेंस जो कितने बनते हैं। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दें तो इस तरह से आपने इनके डिफरेंस जो है लाइन लगाकर जो लिखने हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।